आज मेरा क्वेश्चन लड़कियों से, स्पेशली जिनकी एज 22 से 25 साल के बीच में है, क्या आपके मम्मी पापा ने बचपन से लेके आज तक जो आपको पाला पोसा, आप पे जितने खर्चे किए, क्या उसका 50% या 20% रिटर्न भी आप उनको दे पाए हो? सोच के देखो जरा। नहीं ना। सेम क्वेश्चन मेरा उन लड़कों से भी जिनकी एज 22 या 25 साल की एज में है, 26 साल की एज में, और आज भी मम्मी पापा के पैसों पे खर्चे करते हैं, क्या आप पे रिटर्न दे पाए हो? नहीं ना। हेलो गाइस, मेरा नाम है देव, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता यार। और आज हम आ गए वापस लाइफ रिलेटेड कुछ नया सीखने के लिए, तो शुरुआत करते हैं। चलो इसे टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि उन लड़कियों के लिए ये क्वेश्चन जो था मेरा, तो क्या आपको लगता है कि 22 से 25 साल की एज आपकी हो गई है, और लगभग मैं मानता हूँ तो 1 से 2 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, तो क्या आप अपने मम्मी पापा को कुछ रिटर्न दे पाए हो या आगे चल के दे पाओगे? अगर आप कोई जॉब करते हो अभी तो भी आप नहीं दे पाओगे। और मैं बोलता हूँ अगर आपकी शादी हो गई 1 से 2 साल के अंदर, तो आपका जो सब कुछ जो होगा वो आपके फैमिली होगी, यानी कि आप अपने पति के लिए करोगे, अपने फैमिली के लिए करोगे। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं मेरे एक फ्रेंड है जिसकी अभी ये लगभग नई नई जॉब लगी, ग्रेजुएशन वो कम्प्लीट की, अच्छा खासा पढ़ाई की, उसके बाद 2 साल और कम से कम पढ़ी हो। ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जिनकी अभी 7,000, 8,000, 10,000 तक की जॉब लगी। ओके, तो अब मैं आपको इसके थ्रू ये क्यों बताना, क्या बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से लगभग जो है 4 से 5 साल पहले मैंने शुरुआत की जॉब की, और उस टाइम पे मेरी सैलरी थी वही लगभग जो अभी मेरे दोस्तों की है शुरुआत में 7,000-8,000। उससे पहले भी और शुरुआत कर चुका था, उसके टाइम पे और सैलरी मेरी कम थी। ओके, अब जो है जब मेरी सैलरी आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जो है 7,000 थी, तो इनकी शुरुआत जो है कहाँ से हो रही है, जो मेरी 5 साल पहले हो चुकी थी, 4 साल 5 साल पहले जो हो चुकी है उनकी शुरुआत आज हो रही है उसी सैलरी से। तो आप ये देखो दोस्त, अगर मैं ऑलरेडी जमाने से 5 साल पीछे चल रहा हूँ, और ये इनकी मेरे दोस्तों की जो शुरुआत आज 7,000-10,000 से हो रही है, वो ऑलरेडी अगर मेरे से और पीछे चल रहे हैं, तो क्या वो 10 साल पीछे नहीं चले गए इनकम के मामले में, या मैं बोलूंगा लाइफ रिलेटेड कोई सीखने के मामले में भी वो 10 साल पीछे चले गए, 8 साल 10 साल, और इंडिया ऑलरेडी इतना ज्यादा पीछे है। मैं उन दोस्तों को बुरा नहीं बोलना चाहता या फिर उनको हर्ट नहीं करना चाहता, उनको उनके थ्रू बस मैं और आगे वाले जो हमारी जो जनरेशन है उनको बस यही समझाना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी, मैं को अगर पीछे हूँ 25 साल की एज में, अगर मेरी बहुत कम इनकम है, और मेरे दोस्त ऑलरेडी जो मैं 5 साल पहले शुरुआत किया था वो आज वो शुरुआत कर रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां, तो कितना पीछे चल रहे हैं। और तो ऐसे में क्या लगता है कि उनको अपना जॉब अभी भी जो मिल रहा है 7,000-10,000 की उनकी सैलरी, लगभग 1 साल 2 साल बाद या 5 साल बाद अगर बोलूं, अगर वो जॉब ही करते रहे 2 साल 3 साल 5 साल तक, मैं बोलूंगा हाईएस्ट 20-22-25 हजार तक की उनकी सैलरी जाएगी, या 30,000 जाएगी, 35 भी मान के चलो आज से 5 साल बाद, या जो है उससे ज्यादा भी चलो 50 तक की भी अगर मैं मान लूं, है ना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह किसी के और लग गए बीच बात में जो भी हो गया, तो भी आप काफी ज्यादा पीछे ही रहोगे दोस्त, दुनियादारी समझने के मामले में और पैसे कमाने के मामले में भी। तो आप जो है अपने मम्मी पापा को रिटर्न्स कभी दे ही नहीं पाओगे, समझ लो। लड़कों को भी क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि लड़के भी जो हैं अभी अभी कमाना स्टार्ट करेंगे, बाद में उनकी कुछ टाइम बाद उनको भी शादी हो जाएगी, तो अपने फैमिली के लिए ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, मम्मी पापा के लिए कम ध्यान दे पाएंगे, या उतना रिटर्न उनको दे ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं बस नहीं समझाना चाह रहा था। और अगर आप देखो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर भी है, एक चीज और आपको बताना चाहूँ कि हमारे मम्मी पापा के पास, जैसे अभी लॉकडाउन में मैंने देखा काफी घर में कि लोगों के पास पैसे हैं, जॉब अभी भी बहुत लोग, स्कूल टीचर कोई तो उनके घर में अभी भी काम वाम नहीं चल रहा, पैसे हैं, लेकिन उनके पास कई के घर में अच्छे खासे बंदे हैं मेरे एज के, इंजीनियरिंग वगैरह सब किए, लेकिन खाली घर में बैठे हैं, उनके पेरेंट्स लोग उनको काम करने के अलाउ नहीं करते हैं, बम्फार पैसा उनके पास बोल सकते हो, या पैसा है उनके पास जो उनके वजह से वो अपने बच्चों को जॉब नहीं कराना चाहते, उनके बच्चे भी जो है हाँ मम्मी पापा जॉब करने नहीं दे रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे, तो हम जॉब नहीं करते, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। आपको बस इतना बताना चाहूंगा दोस्त, आपके मम्मी पापा ऑलरेडी नैरो माइंडेड है, छोटे दिमाग के हैं, या फिर कम जानते कम समझते हैं, इसके वजह से वो आपको निकलने नहीं देना चाहते, आपको जो है कम्फर्ट जोन से निकलने नहीं दे पा रहे हैं,
तो यहाँ पे आप सोचो दोस्त, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपने डिसीजन, इतने एज में आप हो गए, अपने डिसीजन आप लेना खुद से सीखो। आपके पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स पीछे चल रहे हैं कुछ चीज जानने समझने में, इसलिए आपको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, पैसा है करके या फिर जो भी रीजन आपको अलाउ नहीं कर रहे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद से निकलो, खुद से अपने दिमाग को यूज करो, खुद से आगे बढ़ो। आपके पेरेंट्स जो गलत हैं, उनकी जो माइंड सेटअप है उनको आप चेंज करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ काफी कुछ चीजें बात है आपको मैं जो है समझाना चाह रहा था, और थोड़ा भी अगर समझा पाया हूँ मैं कुछ लोगों को, है ना, तो काफी अच्छी बात है। और मेरा जो ये वीडियो है काफी लेट हो गया, उसके लिए थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मुंह में जो है छाला हो चुका है दोस्त, उसके चलते मैं जो है ये वीडियो भी डिले कर पाया, लेट बना पाया, और अभी भी मैं प्रॉपरली अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसलिए ये वीडियो छोटा सा शॉर्ट ही था, बाकी अगला वीडियो बेस्ट से बेस्ट अपन देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा अपन समझाने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी, अगर मेरी आपको मेरी बातें जो है सही लगती हैं, मैं आपको कुछ नया सिखा पाता हूँ, समझा पाता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त। और अगर ऐसी वीडियोस कुछ भी चीजें बातें आप सीखते रहना चाहते हो मुझसे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आप ज्ञान लो, जानो, दुनियादारी सीखो दोस्त, दिमाग को यूज करना सीखो, कमाना सीखो, लाइफ को बेस्ट बनाना सीखो, ड्रीम्स को कम्प्लीट करने के लिए आगे बढ़ना सीख जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उन लड़के लड़कियों के लिए वापस से वही बताना चाहूंगा जिनकी एज जो है 22 से 25 साल के बीच में चल रही है, सोच के देखो दोस्त, कदम उठाओ, 22 से 25 साल की एज में 1-2 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, आप उठन नहीं दे पाओगे अपने मम्मी पापा को। तो आपसे यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी उठो, लाइफ में आगे बढ़ो, काम के लिए तैयार हो जाओ।